नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी के दिन भारी उतार चढ़ाव वीकली एक्सपायरी पे देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि बाजार तेज दिशा दिखाएगा, फिर ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला, उसके बाद से फिर से रिकवरी। अब सवाल ये कि इस उतार चढ़ाव के बाजार में किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन आज देश को एक बड़ी क्षति हुई है और प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे अब, और उनको भी हम श्रद्धांजलि देंगे आज के इस कार्यक्रम में। टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, उन शेयरों पर विस्तारपूर्वक बातचीत भी होगी, और निश्चित रूप से ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि रतन मरते नहीं, वाकई में देश के रतन थे रतन टाटा। तो इस पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयरों पर भी होगी डिटेल में बातचीत, साथ साथ वाह के आईपीओ होगी पे भी हम बात करेंगे बातचीत, और आखिर में चुन चुन के का सेगमेंट भी होगा। तो कार्यक्रम में आप लगातार बने रहिए, और इस उतार चढ़ाव के बाजार में कैसी रणनीति बनाई जाए, इस पर भी होगी बातचीत। अरुण जी को सबसे पहले शामिल करते हैं, आज के हमारे खास मेहमान हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर। काफ़ी ज़्यादा वोल्टेलिटी देखने को मिल रही है, इस तरह के उतार चढ़ाव में किस तरह की रणनीति जो है बनानी चाहिए? ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पा रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि रिकवरी तो बाजार में आती है लेकिन शाम होते होते सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। विपुल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, आपने सही कहा, सेलिंग जरूर देखने को मिल रही है, और यूजुअली जब भी एफआईआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिलती है, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा भी देखते हैं विपुल जी, तो सेकेंड हाफ में सेलिंग आती है और डेढ़ दो बजे बाद एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली लार्ज कैप्स में। तो लार्ज कैप में सेलिंग आने के बाद ऑटोमेटिकली मिड कैप, स्मॉल कैप भी ठंडे होते हुए नजर आते हैं। तो जब भी एफआईआईएस की सेलिंग जारी रहेगी विपुल जी, तो ये चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट ऊपर खुलता है, अगर नीचे जाता हुआ नजर आता है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर देखें तो बॉटम फॉर्मेशन भी ऐसे ही मार्केट में होता है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, ऊपर नीचे दोनों के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम भी वहीं उसी के आसपास बनता है मार्केट में। तो ये चीज आने वाले दिन में भी जारी रहेगी, और लास्ट पांच दिन का ट्रेंड देखें तो ओवरऑल एफआईएस की सेलिंग थोड़ी घटी है, नो डाउट, बड़े क्वांटम से छोटे क्वांटम में अभी जो सेलिंग में आ गए, और जब तक ये सेलिंग रहेगी विपुल जी, ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट टिकेगा नहीं, और एक अच्छा सेक्टर रोटेशन आपको रोज देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है एक बार जब तक मार्केट 25,300 के ऊपर नहीं निकलता, थोड़ी बहुत आपको ऐसे ही वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। नीचे में 24,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक सेलिंग जारी रहेगी विपुल जी स्पेसिफिकली एफआईएस की तरफ से, आपको मार्केट इसी 400-500 पॉइंट की रेंज में निकलता हुआ नजर आएगा। जैसे ही 24,300 के ऊपर निकलेगा, मुझे लग रहा है मार्केट में जो और एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्टेड है वो देखने को मिल सकती है। सर, जिनकी पोजिशन फंसी हुई है इस तरह के बाजार में, क्या स्ट्रेटजी आप उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं? क्या अभी धैर्य बनाए रखें, या फिर अभी जो जिन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है रह करके, उनसे दूर रहें, क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को आप? विपुल जी, एग्जिट करने की स्ट्रेटजी तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, मैंने कहा डिफेंस स्टॉक्स बाय करने की का टाइम आ चुका है, जब हरियाणा इलेक्शन के दिन हमारी बात हुई थी, तो धीरे धीरे सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे मार्केट आने वाले दिवाली के बाद वापस ऊपर ऑल टाइम हाईस की तरफ बढ़ना चाहिए। नो डाउट ये एक शॉर्ट टर्म हिकअप हमेशा रहेंगे, और ये बार दिक्कत ये होगी कि सेलिंग जो है वो काफी फास्ट आई, 4 से 5 दिन में 1,200-1,300 पॉइंट निकल गए। इसी वजह से काफी लोगों के पोजिशन अटके हैं, चाहे वो कैश में रहे, एफएनडो में रहे, या किसी भी सेगमेंट में रहे, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है सभी रिटेल क्लाइंट्स को। इवन हमारे क्लाइंट्स को भी वही दिक्कत हो रही है कि स्टॉक्स अच्छे बाय किए पर स्टॉक पर ऊपर के लेवल पे अटक भी चुके हैं, कुछ लोगों ने नीचे भी बाय किए, तो वो चीज जरूर देखने को मिलेगी। पर विपुल जी, मुझे लग रहा है धीरे धीरे मार्केट स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा, और अच्छे स्टॉक्स अगर है जो भी हम रिकमेंड करते हैं, या तो जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले दिन में सभी के भाव आते हुए नजर आएंगे। पर हो सकता है जो छोटे स्टॉक्स है, जो मिड कैप स्मॉल कैप है, उसमें थोड़ी रिकवरी देरी से आए। तो मुझे लग रहा है जो भी स्टॉक पोजीशंस अटकी है, या फिर स्टॉक्स में पोजीशंस अटकी है अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है अगर थोड़े दिन अगर अपने पोर्टफोलियो में रखें तो वापस मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी संख्या में सर दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, अब उनके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और अपने दर्शकों को कह दें कि आप हमारे साथ कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज रतन टाटा को हम श्रद्धांजलि भाव भी नहीं तो देंगे ही देंगे, और साथ ही साथ
टाटा ग्रुप के जो तमाम शेयर हैं उन पे आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, उस पर रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर हम विशेष तौर पे हम अपना एक खास सेगमेंट लेकर के आ रहे हैं। आज बजिंग स्टॉक्स पे बातचीत नहीं करेंगे, तो आप लगातार कार्यक्रम में बने रहिए। टाटा समूह को लेकर के अगर आपके पास शेयर हैं या शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो उस पर हमारी डिटेल में बातचीत होगी। राजन पांडे जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, कह रहे हैं कि सर यू आर द बेस्ट होस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। कह रहे हैं मेरे पास गेल है, गेल इंडिया के 180 शेयर हैं इन्होंने लिए हुए हैं सर 230 के भाव पर। इसके अलावा इनके पास सुजलॉन ले रखे हैं 700 शेयर, वो इनके पास 65 के हैं। तो सबसे पहले गेल के साथ शुरुआत करते हैं, PSU कंपनी के साथ। और गेल इन्होंने अभी 224 225 ये भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने ले रखा है 180 पे, तो अब आपकी जगह 180 शेयर हैं 230 पे, तो यहाँ पर आपकी राय जानना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान पे तो नहीं है सर, आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? और साथ ही साथ सुजलॉन में ये प्रॉफिट में है, 65 रुपये पे के खरीद रखे हैं, इसका मतलब इन्होंने 86 तक के भी भाव देखे होंगे, होल्ड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल जी, गेल में तो डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है, 100% होल्ड करना है। अगर नीचे आता है तो और भी ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है गेल धीरे धीरे, अगर आप 1-2 साल का भी व्यू रखते हैं तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकता है। जहां तक लेवल्स की बात है 270-280 तक मुझे लग रहा है स्टॉक लॉन्ग टर्म में जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 रुपए इनकी बाइंग प्राइस से नीचे है। सुजलॉन में जरूर नजर रखें, सुजलॉन अगेन एक आप कह सकते हैं काफी न्यूज वाला स्टॉक है और सभी के यूजुअली पोर्टफोलियो में भी आता हुआ नजर आता है। नीचे में रिसेंटली स्टॉक के 65-64 तक भी जाता है और ऊपर में 85 तक के हाई देखने को मिले, तो ऑलमोस्ट 20 रुपए का करेक्शन आने के बाद अब एकदम मिडिल रेंज के आसपास खड़ा है, 75 के आसपास। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए लिया है सुजलॉन को, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में लिया है तो मुझे लग रहा है वापस एक बार ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यूजुअली सुजलॉन बिल्कुल जी रिकमेंड नहीं करता हूं मैं, पर टेक्निकल लेवल जरूर शेयर करूंगा, 70 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ऊपर में 82-85 ये इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। लॉन्ग टर्म का सजेशन भी स्टॉक में मेरा नहीं है, इसलिए अगर आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लिया है तो मुझे लग रहा है 85 के टारगेट के साथ होल्ड करें, क्योंकि 65 की आपकी बाइंग है तो 70 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। मुझे लग रहा है 1:3 का, 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो होल्ड करके चल सकते। सर सुजलॉन में क्या फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं क्या? हालांकि आपकी रिकमेंडेशन रहती नहीं है, लेकिन जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं नीचे आने की वजह से वो कर सकते हैं क्या अभी के लेवल पे? ठीक है विपुल जी, यूजुअली मेरी सलाह ऐसे स्टॉक में नहीं रहती जो ज्यादा रिटेल फ्रेंडली या फिर ज्यादा न्यूज में रहता है, पर अगर अगर टेक्निकल्स की बात करें तो एंट्री जो लेवल है इसका नीचे में, इसमें एक गैप बनाता है 70-72 के आसपास, तो वहां पे अगर आता है तो जो रिस्क ले सकते हैं वो एंटर करके चले। 70-72 ये एक अच्छा लेवल है, अगर नीचे में मिलता है तो वो एक एंट्री का पॉइंट हो सकता है। ठीक, चलिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर। जितेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी, कैसे हैं, कहां से बोल रहे हैं? सर जयपुर राजस्थान से। ओहो, पिंक सिटी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। कैसे हैं आप और क्या सवाल है आपका? सर बढ़िया सर, सर मैंने हिंदुस्तान कॉपर के 300 शेयर लिए थे 333 की रेट पर। 333 की रेट पर, और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? और दानी सर्विस है इसके सर, 700 शेयर है 55 की रेट पर, दोनों 1 साल होल्ड कर सकता हूँ सर। दूसरी कौन सी कंपनी बताई आपने? दानी सर्विस है, DHANI दानी। धानी सर्विसेज, अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। धानी सर्विसेज में सर प्रॉफिट बुक करूं या अभी होल्ड करना चाहिए? धानी किस रेट पे लिए आपने? 55 की रेट पे 700 शेयर। 55, ठीक है सर, दोनों पे ही बात कर लेते हैं फटाफट। हिंदुस्तान कॉपर पे इनको 1 साल का व्यू है सर, 1 साल का व्यू है धानी पे, माफ कीजिएगा हिंदुस्तान कॉपर पे अभी फिलहाल लॉस में है ये, 312 के आसपास चल रहा है। रिकवरी आई मेटल में लेकिन वो टिक नहीं पाई, चीन से जब खबरें आई कि वहाँ पर रिवाइवल पैकेज आ रहा है, सबके बाद हमने देखा कि अच्छी तेजी देखने को मिली पर वो रुक नहीं पाई सर तेजी। आपकी टिप्पणी क्या होगी मेटल पैक को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? और बहुत लोगों की टिप्पणियां सेल को लेकर के भी आई थी, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, आपकी रिकमेंडेशंस भी थी। आज जो है हम 5 दिन में 5% के आसपास की गिरावट हिंदुस्तान कॉपर में रही है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? पहले हिंदुस्तान कॉपर पर ये 20-22 रुपये के नुकसान पर है, क्या होल्ड करना चाहिए? देखिए विपुल जी, वैसे मेटल्स में एक न्यूज की वजह से स्टॉक में काफी अच्छी गिरावट आई। चाइना में जो स्टिमुलस आना था, उस स्टिमुलस की काफी नेगेटिव कमेंट्स मेजर ब्रोकरेज की तरफ से आए और चाइना के मार्केट में यूजुअली 10% एक दिन ऊपर खुला, देन वापस वो स्टॉक वो इंडेक्स 2-3% के प्लस में क्लोज हुआ, तो इसी वजह से स्टील प्राइस में ओवरऑल थोड़ा रुझान नेगेटिव देखने को मिल रहा है।
हिंद कॉपर की यूजुअली बात करते हैं विपुल जी, तो एक दिक्कत इस स्टॉक में ये है, स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है पर एफ एंड ओ बैंड में रहता है, एफ एंड ओ बैंड की वजह से स्टॉक ज्यादा चलता नहीं है और जब भी मेटल्स में रैली आती है ये लास्ट स्टॉक होता है जो ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो 305 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इसमें काफी क्वेरीज लास्ट दो दिन से आ रही है, तो इसलिए मुझे एक्जैक्टली इसका लेवल याद है। 305 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 305 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। अगेन सेल पे मेरी राय रही थी डेफिनेटली विपुल जी, वो एक ट्रेडिंग बेट जरूर था और वहां से एक स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, पर्सनली अभी भी कोई होल्ड कर रहा है स्टॉक को, अगर थोड़ा रख सकता है तो मुझे लग रहा है वापस 140-145 तक स्टॉक जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंद कॉपर का अगर आप कंपेरिजन सेल से करते हैं तो मुझे लग रहा है सेल में एक ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी कि स्टॉक की इक्विटी बड़ी है, सेकेंडली ये ज्यादा बैंड बैंड के चक्कर में नहीं है, तो मुझे लग रहा है सेल एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो वापस मुझे लग रहा है 140 के पार जाता हुआ नजर आएगा। नो डाउट मार्केट की गिरावट, सेकेंडली चाइना का न्यूज का जरूर इम्पैक्ट पड़ा है, पर मुझे लग रहा है सेल में वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है, सेल में दोबारा रिकवरी देखने को मिलेगी। धानी पे सर ये प्रॉफिट में है, 55 पे लेकर के 63 का भाव है, क्या अभी प्रॉफिट बुक करें या ना करें इसको लेके कंफ्यूजन में है, क्या धानी होल्ड कर सकते हैं अभी? विपुल जी मेरे ख्याल से रिसेंटली 46 से स्टॉक 63 आ चुका है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, टेक्निकली भी ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, नो डाउट लास्ट कुछ दिनों से मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छा मेरे ख्याल से 5 से 6 रुपए या 7 रुपए का प्रॉफिट इनको है, तो मुझे लग रहा है ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहे जहाँ ट्रेंड नेगेटिव है और थोड़ा बहुत बाउंस रिसेंटली आया, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक सर, इस बीच त्रिवीण गुप्ता जी कह रहे हैं, विपुल जी अरुण जी जय माता रानी की, आपको भी जय माता रानी की, कह रहे हैं कि सर NFL और मद्रास फर्टिलाइज़र इन्होंने लिए हुए हैं और 200-200 शेयर इनके पास हैं और 143 और 115 के भाव पर, और आज फर्टिलाइज़र पैक में हम देख रहे हैं कि मजबूती भी देखने को मिल रही। पहले ज़रा NFL की बात कर लेते हैं जो कि 123 के आसपास चल रहा है और 3.25% की मजबूती देखने को मिल रही है और इन्होंने 143 पे ले रखे हैं, यानी कि इनको 20 रुपये पर शेयर का नुकसान NFL पे हो रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें जरा मद्रास फर्टिलाइज़र की, तो मद्रास फर्टिलाइज़र अभी चल रहा है 102 रुपये के आसपास और इन्होंने ले रखे हैं 115 रुपये के भाव पर। ये और भी ऐड करना चाह रहे हैं, करें क्या और ऐड कर सकते हैं, 200-200 शेयर हैं इनके पास। आज की ये रिकवरी कितनी सस्टेनेबल लग रही है सर? पिछले एक महीने में 5% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, और क्या रणनीति होनी चाहिए सर NFL को लेकर के अभी, NFL और मद्रास फर्टिलाइज़र? देखिए विपुल जी थोड़ा स्लो मूवर रहेगा क्योंकि जो भी ओवरऑल तेजी थी वो वापस ये नीचे में डाइजेस्ट कर चुका है, तो ऑलमोस्ट 160 की हाई लगाने के बाद 123 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लग रहा है रिकवरी स्लो रहेगी पर रिकवरी जरूर आनी चाहिए। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 140 से 145 तक स्टॉक वापस जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि स्टॉक एकदम बुलिश है, एकदम स्लो मूवर रहेगा क्योंकि ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, तो 140 से 145 तक के टारगेट मुझे लग रहा है, अगर थोड़ा कुछ हफ्तों तक होल्ड कर सकते हैं तो दिख सकता है। मद्रास फर्टिलाइजर का चार्ट भी सेम है, नीचे में 90-94 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 115 से 120 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो इसी रेंज में मुझे लग रहा है ये रहना चाहिए। वैसे इसका ट्रेंड थोड़ा मजबूत है NFL से और हो सकता है 115 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आए, तो अगर ये होल्ड करते हैं तो 95 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 115-120 ऊपर में इमीडिएट आ गया। ये सर इन सब में आज सबसे ज्यादा तेजी सर लेकिन RCF में देखने को मिल रही है और सस्टेन भी कर रहा है, क्या यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी रहेगी, यहाँ पर भी वही राय रहेगी या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर RCF में? विपुल जी आपने सही कहा, थोड़ा बेटर है क्योंकि ये ज्यादा गेन्स भी होल्ड कर रहा है, सेकंड वॉल्यूम्स भी अगर आप लास्ट 3 हफ्तों का वॉल्यूम देखें तो सिंगल डे का हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली इसमें रैली एक्सटेंड होगी, 90 से 195 तक के रैली देखने को मिल सकती है। अगेन सभी अगर आप ओवरऑल फर्टिलाइजर स्टॉक देखें तो सर एक्सेप्ट दीपक फर्टिलाइजर, उसका चार्ट काफी मजबूत है, पर बाकी सभी स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में है, तो मुझे लग रहा है 190-195 तक के टारगेट्स इसमें भी आ सकते हैं, तो जिन्होंने भी लिया है नीचे में आज भी लिया है तो 195 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चलते जी। चलिए इस बीच जो है अगला प्रश्न लेते हैं और कह रहे हैं कि हेलो विपुल जी आदाब, माय नेम इज AP खान, तो खान साहब आपको भी आदाब, कह रहे हैं कि इनके पास IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर लिए हुए हैं सर, इन्होंने 501 शेयर हैं 75 रुपये 75 पैसे पे, 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं, कह रहे हैं कि इसका भविष्य कैसे दिखाई दे रहा है आपको खासतौर से IDFC के साथ विलय के बाद। तो IDFC पे सर बहुत लोगों की पोजीशन बनी हुई है, अब तो जो विलय के को लेकर के जो तमाम चीज़ें थी वो भी करीब करीब कंप्लीट हो गई हैं, आप कैसे देख रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक को, 73 रुपये के आसपास चल रहा है, 2-3 साल का नज़रिया है?
विपुल जी, अगेन वैसे मेरी कभी राय नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदने की, क्योंकि एक वन एक एक आदमी पे आप कह सकते हैं 1% के ऊपर ये पूरा वैल्यूएशन जो थोड़ा टिका हुआ है, और मर्जर भी हो चुका है, मर्जर की सबको इंतजार था, तो अब कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। रिजल्ट्स जरूर देखने पड़ेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, पर सभी को हमने, क्योंकि ये काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है, तो एक स्टॉप लॉस सजाया 69, 68 या 70, ये तीन जो लेवल है इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 68 से 70 के आसपास इसका सपोर्ट हो, जब तक ये होल्ड कर रहा है स्टॉक को होल्ड करने की राय है। रिजल्ट जरूर देखें, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली वापस पिकअप आ सकता है, और रेट कट की साइकिल शुरू होने की बात चल रही है कि दिसंबर की मीटिंग में हो सकता है एक रेट कट जरूर देखने को मिले, तो वो एक बूस्टर भी जरूर रहेगा। तो मुझे लग रहा है 68 या 69, बेटर है 68 का स्टॉप लॉस लगाए, अगर आपके पास होल्डिंग है, एक साल का आपका व्यू है तो 68 का लगा के चल सकते हैं। जब तक वो 68 के लेवल के ऊपर है होल्ड करें, टेक्निकली ही मैं राय दे पाऊंगा, क्योंकि फंडामेंटली तो कोई बड़ी कवरेज नहीं है, पर 68 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और जहां तक टारगेट की बात है, मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो 85 पहला टारगेट रहेगा और 88 दूसरा टारगेट रहेगा, तो ये तीन लेवल्स आप नोट करके चले और 68 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। चलिए बिल्कुल सर, रामवीर राठौर जी का प्रश्न लेते हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी रामवीर जी, कह रहे हैं कि आज हमारा सवाल भी ले लीजिए। ले लिया गया सर, इरकॉन पर सवाल है इनका, 255 पे लिया हुआ है, और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। इरकॉन को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज 221 का भाव है, कल यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही थी। रेलवे सर लगातार आपके साथ, तो मुझे लगता है लंबा समय हो गया रेलवे पे बातचीत करते हुए, तब भी बात कर रहे थे जब ये पूरी तरीके से तेजी के दौर में थे, और अब सुस्ती यहाँ पर है। रेलवे पे क्या राय रहेगी सर, पूरे सेक्टर पे ही मैं चाहूँगा कम से कम, एटलीस्ट RVNL, IRFC और इरकॉन तो है ही है जो फिर इनका सवाल है, क्या सलाह रहेगी? अभी बहुत लंबा टाइम हो गया, एक क्वार्टर के आसपास हो गया लोगों को वेट करते हुए। बिल्कुल जी, आपने सही कहा, और रिसेंट एक बड़ा डेवलपमेंट जो हरियाणा का हुआ है, उसके बाद PSUs में एक रैली मुझे लग रहा है बननी चाहिए। डिफेंस में तो रैली शुरू हो चुकी है, और नेक्स्ट हो सकता है रेलवे में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट स्टेबिलिटी रहती है हमारे सेंटर में, तो यूजुअली आपको देखने को मिलता है कि रेलवे, डिफेंस, ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर जिनमें गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस रहा है, उनमें मोमेंटम देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है IRFC और RVNL, ये दो स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं, और ये एवरेजिंग लेवल के आसपास भी है या फिर फ्रेश बाइंग के लेवल के आसपास भी है। तो अगर इस सेक्टर में बात करें तो IRFC और RVNL, ये दो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मुझे लग रहे हैं, और यहाँ से इनमें जरूर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और इनका क्वेश्चन इरकॉन के रिलेटेड था, इरकॉन का सपोर्ट मुझे लग रहा है विपुल जी 205 से 206 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, और मुझे लग रहा है बड़ी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 7 हफ्ते से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है और अपने 50 डे या 100 डे मूविंग एवरेज के बीच में है, तो 205 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है रिवर्सल इसमें भी आएगा, और हो सकता है 240 तक एक बाउंस जरूर देखने को मिले, तो 205 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और क्योंकि इसका ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है IRFC और RVNL से कंपेयर करते हैं, इसलिए इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाए 205 के आसपास, 245 और 240 ये दो इमीडिएट टारगेट है। ठीक सर, इसी क्षेत्र से एक जुड़ी कंपनी है, 5-6 लोगों के सवाल है सर, मैं चाहूँगा एक उत्तर अगर JWL पे भी मिल जाए। अमित कुंतल जी कह रहे हैं कि विपुल सर मेरे पास JWL के 580 पे शेयर लिए हुए हैं, 2 जुलाई 2025 तक होल्ड कर सकते हैं, प्लीज़ अरुण सर से व्यू दिलवा दीजिए प्लीज़। तो ये सर आपसे ही राय जानना चाह रहे हैं, 580 के भाव पर इन्होंने JWL के शेयर ले रखे हैं, और ये भी शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए समस्या लोगों के लिए पैदा कर रहा है, 502 के आसपास अब चल रहा है, आधे परसेंट की आज तेजी अवश्य देखने को मिल रही है यहाँ पर, इन्होंने 580 पे लिया हुआ है। विपुल जी, एक छोटा हमने राय शेयर की थी पिछले कुछ दिन से, वही राय शेयर करें। JWL अपने बड़े सपोर्ट के आसपास है, और यहाँ से एवरेजिंग करने के लेवल्स काफी अच्छे हैं, 480 से 500 के आसपास इसमें ब्रेकआउट हुआ था, और ये चीज हमने काफी बार सभी के साथ शेयर की है। अगर आप 2024 अप्रैल का लेवल देखते हैं, तो जब ये लेवल था वापस उसी लेवल के आसपास आ चुका है। दो चीजें ध्यान रखें, एक तो ये एवरेजिंग का अच्छा लेवल है, तो एवरेजिंग जरूर कर सकते हैं, तो क्लियर कट आ रहा है ये। सेकेंडली, इस क्वार्टर का रिजल्ट पे जरूर ध्यान दें, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा ठंडा था, अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो अगेन वापस एग्रेसिव बाइंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो दो चीजें क्लियर है, एक तो अच्छे एवरेजिंग के लेवल के आसपास है, तो थोड़ा बहुत आप स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं, और 580-600 तक मुझे लग रहा है अगर रिजल्ट थोड़े बहुत भी ठीक ठाक आते हैं तो वापस 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एग्जिट की राय नहीं है इस लेवल के आसपास, क्लियरली ये स्टॉक ये लेवल एड ऑन करने का है, और धीरे धीरे एवरेज कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है 600 तक के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखें, जो भी ये शो देख रहे हैं,
जेडब्ल्यूएल और टीटागढ़ के रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर में थोड़े ठंडे थे, अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली वापस बाइंग देखने को मिलेगी, अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो अगेन अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, नतीजों पे खास तौर से फोकस रखना होगा, टीटागढ़ और जुपिटर वैगन जिनके पास है, नतीजे अगर अच्छे रहते हैं तो काफ़ी अच्छी रिकवरी आ सकती है, नतीजे खराब रहते हैं तो थोड़ा फिर से जो है दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए प्रिया सिंह जी का सवाल ले लेते हैं, कह रही हैं कि प्लीज़ सर टेक माय क्वेश्चन। ले लिया गया प्रिया जी आपका सवाल, HL के ऊपर इनका प्रश्न है, इनका 5510 के ऊपर खरीदा हुआ है, थोड़ी सी ऊपर की, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर की खरीद है, क्या कह रही हैं क्या करूँ, बहुत लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका कह रही हैं, और कह रहे हैं कि मैं 2 से 3 साल होल्ड कर सकती हूँ, कह रहे हैं कि प्लीज़ रिव्यू एवरेज प्राइस करें यहाँ पर या फिर सेल कर दें। विपुल जी मैं आपसे नाराज हूँ, आप मेरा सवाल नहीं लेते, नाराज मत होइए प्रिया जी, आज ही आपका प्रश्न ले लिया गया है, HL पे 5510 की खरीद है सर, और अब 4400-4500 के लेवल जो है इनको देखने को मिले हैं, और आज तो अच्छी तेजी है 2% के आसपास के, 4470 का लेवल देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए सर, और HL पे बात हो जाए तो थोड़ा सा डिफेंस पे हो, थोड़ा सा 2-3 सवाल और डिफेंस को लेकर के कर लेते हैं ताकि डिफेंस के ऊपर हमारी कवरेज आज की पूरी हो जाए, रिकवरी है आज डिफेंस में, HL पे आपका व्यू। जी अगेन सेम व्यू है जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है, 2 या 3 बार डिस्कस किया, BEL, HL और MASDOC ये 3 स्टॉक्स जरूर एड ऑन करने चाहिए, और ये नीचे रिसेंटली मिले भी थे और जब भी मुझे लग रहा है वो एक अच्छा बॉटम के आसपास था, तो HL को डेफिनेटली एवरेज करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर रिकवरी डिफेंस में आएगी और 80,000 करोड़ के आसपास का कल CEC ने डिफेंस एक्विजिशन का अप्रूवल भी दिया है तो एक बड़ा ट्रिगर है सभी स्टॉक्स के लिए। शिपिंग स्टॉक्स हो सकता है थोड़ा बहुत स्लो मूवर रहे, पर MASDOC मुझे लग रहा है एक बड़ा आउट परफॉर्मर रह सकता है, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों ही अच्छा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आए थे, तो MASDOC, BEL, HL ये तीनों मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा एक स्टॉक जो इस सेक्टर में जेन टेक्नोलॉजी जो कि ड्रोन में है, वो थोड़ा चल चुका है स्टॉक 15-16% 2 दिन में, अगर उसमें एक गिरावट आती है तो उस पर भी जरूर ध्यान रखें। सेकंड कोचिन शिपयार्ड में भी मुझे लग रहा है एक बाउंस आ सकता है, उसको खरीदारी की सलाह नहीं है, पर अगर मुझे लग रहा है जिनके पास है वो एक बाउंस के लिए जरूर वेट करें, 1800 से 1850 तक मुझे लग रहा है एक बाउंस उसमें भी देखने को मिल सकता है, तो ये चारों स्टॉक्स पे नजर रखें, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मोमेंटम जरूर देखने को मिले। सर जो आपने नाम लिए हैं HL, BL और मजगांव, ये 3 तो ऐसे हैं जिसमें कि आपने कहा है कि रिकवरी आ सकती है, तो क्या जो लोग फ्रेश बाइंग या एवरेजिंग की सोच रहे हैं क्या वो कर सकते हैं, पहला सवाल। ZenTech आज 10% के अपर सर्किट पे आ गया है, तो क्या ZenTech में भी गुंजाइश है अभी, क्योंकि रैली आप जैसा कह रहे हैं कि आ चुकी है। कोचिंग के लिए तो आपने क्लियर कर दिया कि जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, बाकी के 4 पे आपकी टिप्पणी फ्रेश बाइंग वाले लोगों के लिए या एवरेजिंग करने वाले लोगों के लिए। विपुल जी, BEL, HL और MASDOC जरूर एवरेज कर सकते हैं, MASDOC थोड़ा चल चुका है, थोड़ा नीचे करेंगे तो ज्यादा बेटर है, BEL, HL डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट्स सीजन शुरू होगा, रिजल्ट्स के पहले मोमेंटम भी स्टॉक्स में आएगा, सेकेंडली ये तीनों स्टॉक्स अच्छे सपोर्ट से पलटे हैं और काफी बड़ी गिरावट के बाद अब आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो ये तीनों पे डेफिनेटली एवरेजिंग आउट कर सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड फिलहाल एवरेज ना करें, T2T सेगमेंट में है और इसका सर्किट भी 5% के आसपास है, तो जिनके पास है होल्ड करें, एवरेजिंग की राय नहीं है। ZenTech अगेन विपुल जी मैंने दिखा रहे हैं, मैंने 5-6% का आपको दिखा था, सर्किट लग चुका है, तो क्लियरली अभी अवॉइड करें, स्टॉक पिछले 2 दिन में काफी 17-18% चल चुका है, तो ऊपर में बढ़ चढ़ के खरीदारी ना करें, करेक्शन आएगा जब जरूर इस स्टॉक को भी शेयर करेंगे, तो ZenTech को फिलहाल अवॉइड कर दें, पर अगर आपको लेना है तो MASDOC, BEL, HL ये तीनों मेरे फेवरेट पिक रहेंगे। ठीक है, ये अभी भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, जिनके पास है वो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, मजगांव, HL और BEL, तो 3 स्टॉक ये हैं। चलिए अब जरा रियल्टी पे बात कर लेते हैं, रियल्टी शेयरों को लेकर के आज एक रिपोर्ट आई है, और रियल्टी शेयरों पे जो है यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए वो समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि एनरॉक की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और 8 देश की जो टॉप 8 लिस्टेड रियल्टी कंपनियाँ हैं उनके बारे में कहा गया है कि उन पर जो कर्ज का बोझ है वो कम होता हुआ देखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि Q1 FY 2025 में कुल कर्ज जो है वो 20,808 करोड़ रुपये बचा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, 44,817 करोड़ रुपए का कर्ज था FY 2019 के अंत में, तो ये जो है घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 साल में कंपनियों की बुकिंग जो वैल्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा कई गुना की जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि जिनमें प्रमुख नाम जो आए हैं वो हैं DLF, गोदरेज डेवलपर्स जैसी कंपनियां,
जिन पर कि कर्ज घटा है। इसके अलावा लोढ़ा डेवलपर्स है, शोभा डेवलपर्स है, इन कंपनियों पे भी जो कर्ज का बोझ है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कर्ज का बोझ घटेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि कंपनियों को ब्याज पे पैसे कम देने होंगे। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि लगातार हम बजिंग स्टॉक्स में चर्चा कर रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनियों को काफ़ी अच्छी न सिर्फ बुकिंग मिल रही है, लोगों को अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। Q2 के नंबर्स जो है, अभी लोढ़ा के नंबर एक दो दिन पहले आए थे, काफ़ी शानदार देखने को मिले थे। सर, रियल्टी को लेकर के आपका व्यू क्या है? जो अनरॉक की रिपोर्ट है वो सजेस्ट कर रही है कि काफ़ी हद तक जो है जो कंपनी के ऊपर कर्ज है वो काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन कंपनियों पर। आपकी राय क्या होगी, रियल्टी पर व्यू अभी क्या है? क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर दिसंबर में नहीं तो फिर अर्ली 2025 के कर्ज के घटने की शुरुआत भी हो सकती है। आपकी टिप्पणी सर। विपुल जी, डेफिनेटली ये सेक्टर एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है और अभी भी मुझे लग रहा है दो स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये दो तो मुझे लग रहा है वैसे भी ये प्रीमियम सेगमेंट में भी है और मिड सेगमेंट में भी है, तो ये दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं और अच्छा मोमेंटम भी स्टॉक्स में है। सेकंड, टेक्निकली भी स्टॉक्स चार्ट में सबसे अच्छे नजर आ रहे हैं। थर्डली, डीएलएफ पे जरूर नजर रखें। डीएलएफ एक यूजुअली अवॉइडेबल स्टॉक रहता है क्योंकि मोमेंटम दोनों साइड ज्यादा देखने को मिलता है, पर थर्ड चॉइस डीएलएफ भी रहेगी। तो मुझे लग रहा है अगर रैंकिंग करना है तो गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, ये दो मेरे टॉप रैंकिंग में रहेंगे। थर्ड डीएलएफ रहेगा और टेक्निकली और फंडामेंटली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है तीनों स्टॉक्स पे फोकस जरूर रखें। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस एक स्टॉक है जो कि मिड कैप रियलिटी स्टॉक्स है, वो भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। तो थोड़ा चल चुका है लास्ट दो या तीन दिन में, पर मुझे लग रहा है अगर उसमें थोड़ी बहुत 3-4% या 5% तक की गिरावट आती है तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पे भी आप नजर रख के चल सकते हैं। चलिए, तो ये राय ओवरऑल निकल करके आती हुई, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज स्टेट, डीएलएफ जैसे शेयरों में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है अरुण जी को। और इस बीच बहुत सारे दर्शक अभी भी जो सवाल कर रहे हैं वो टाटा पावर, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील जैसे शेयरों पर, तो आपको बता दें कि आप अभी रुक जाइए थोड़ी देर, आपके शेयरों पर चर्चा होगी। हम खास सेगमेंट लेकर के आ रहे हैं टाटा समूह के ऊपर, तो अभी आप अपने प्रश्न बैक टू बैक ना पूछिए, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे कार्यक्रम की चर्चा के दौरान। सिद्धार्थ पांडा जी का सवाल ले लेते हैं, और जियो फाइनेंस को लेकर के ये इनका प्रश्न है। सर, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, 1 से 1.5 साल का इनका व्यू है जियो को लेकर के। अभी जियो को लेकर के सर आज खबर भी आई है और उसके चलते हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, 0.5% के आसपास की आज मजबूती जो है वो जियो फाइनेंस में देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? अब जो कंपनी है म्यूचुअल फंड को लेकर के कुछ एक खबरें निकल करके आई थी, वो शायद खबर मुझसे मिस हो गई। हाँ जी हाँ, जियो फाइनेंस पे खबर जो है वो 2-3 दिन पहले ये थी कि अब अपना म्यूचुअल फंड सेट करने के लिए जो है इसको जो है मंजूरी मिल गई है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर जियो फाइनेंस को लेकर के? विपुल जी, इसको दो ट्रांचेस में बाय करें क्योंकि रिसेंटली 320-325 के आसपास भी हमने रिकमेंड किया है स्टॉक, क्योंकि इसमें आप लेवल्स नहीं देख सकते क्योंकि बड़ी पेडिग्री से आ रहा है और बिजनेस धीरे धीरे इसकी प्रायोरिटी बिजनेस की आ रही है और टेक्निकली भी मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 320 के आसपास आता तो ऐड ऑन करें, अभी भी ऐड करें, 344-345 के आसपास है। तो अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो 50 शेयर अभी लें, 50 से 320 के आसपास अगर आता है तो ले, वरना उसको छोड़ दें। तो मुझे लग रहा है दो ट्रांजेक्शन में बाय करें क्योंकि स्टॉक थोड़ा अभी रिसेंटली चला है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है इसमें 380-390 ये इमीडिएट टारगेट जरूर देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ा स्लो मूवर जरूर है पर स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा करेगा, तो अभी भी ले सकते हैं और 320-325 के बीच में मिलता है तो और ऐड करने के लिए वहां पे जरूर एक क्वेश्चन रखें। मुझे लग रहा है 380-400 तक के लेवल्स एक तो अगर थोड़ा टाइम देते हैं स्टॉक को तो इजीली देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, इस बीच रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रेणु जी को नमस्कार। हेलो सर। हेलो मैम रेणु जी, कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। लखनऊ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। क्या प्रश्न है आपका? मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके, पहली बात तो मैम आपसे बात करके आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है कि एक तो आप लखनऊ से हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और दूसरा आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कैसे लग रहे हैं मणिनाइन के प्रोग्राम आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, हम तो अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं इसको। थैंक यू मैम। ऐसे रहता है जैसे लाइव के लिए दिखाते हैं जी, तो हम पहले ही बैठे होते हैं। थैंक यू मैम, बहुत 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 शुक्रिया। लखनऊ में कहाँ रहती हैं? हम मतलब हमारे लिए भी ना ऐसा है कि एक हाउस वाइफ थी मैं, उसके लिए एक काम मिल गया मुझे, ये लगता है मुझे तो। नहीं पर अच्छी बात ये मैम कि अच्छा काम मिला है, कि नई नई चीजें आपको एक तो सीख रही हैं कि आपको मतलब एक, जी हाँ जी जी। शेयर बाजार में कब से इंटरेस्ट हुआ मैम आपको? सर पहले एक साल
3-4 साल पहले एक बार ही किया था तो लॉस वगैरह ही होता था। ओके ओके। फिर इसके बाद अभी ना फिर से जैसे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हेल्थ से रिलेटेड जी, तो फिर डॉक्टर ने कहा आप इंगेज हो जाएंगे किसी काम को लेके, तो फिर अच्छा। मैंने थोड़ा सीखना शुरू किया। ठीक, मैंने उम्मीद कर वैसे तो ठीक, पर मेरे दो शेयर थोड़े डाउन में पड़े हैं। जी जी बताइए। हाँ जी, HLV लिमिटेड ले रखा एक तो मैंने। अच्छा, किस भाव पे? हाँ जी सर, वो तो 30 के भाव पे है और अभी तो बहुत डाउन हो गया है। तो अब 30 पे लेकर के 15 पे आप सवाल पूछ रही हैं, तो वो तो थोड़ा सा लेट कर गया। किसके कहने पे लिया था आपने HLV, क्यों लिया था? सर पहले इस क्वार्टरली रिजल्ट देख रही थी मैं, एक दो तो ठीक ही थे। चलिए कोई बात नहीं मैम। और दूसरी कंपनी कौन सी बताई आपने? जैन इरिगेशन। जी जैन इरिगेशन। ये किस भाव पे लिया आपने? तो ये 76 पे, ये तो बीच में ऊपर भी आया था पर मैंने निकाला नहीं था तब। जैन इरिगेशन तब भी मतलब एक बात है, फंडामेंटली बेहतर कंपनी है, लेकिन HLV पे आपको लॉस भी ज्यादा है और यहाँ पर रिकवरी आएगी कि नहीं, ये तो अरुण जी से पूछते हैं। सर HLV लिमिटेड पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? 15-30 का लेकर के 15 पे अब आ गया है इनका भाव, क्या कुछ टिप्पणी रहेगी आपकी HLV को लेकर के और जैन इरिगेशन पे? विपुल जी, अगेन HLV आप कह सकते हैं होटल स्टॉक है, होटल लीला वेंचर्स जो HLV लिमिटेड के नाम से है, तो सेक्टर अच्छा है पर स्टॉक में काफी दिक्कत है, प्लेजिंग काफी है प्रमोटर्स की तरफ से, सेकेंडरी रिजल्ट्स तो मैंने ट्रैक नहीं किए पर टेक्निकली काफी वीक है। और इन्होंने सही कहा 30 के आसपास या 35 के आसपास या 40 का भी लेवल रिसेंटली छुआ, अगेन स्टॉक 15 के आसपास है। तो विपुल जी वैसे कोई बड़ी राय नहीं है, डेली ट्रैकिंग में भी नहीं आता है और 15 के आसपास आ चुका है, और अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो 22 से कंटिन्यूस स्टॉक गिर रहा है, तो मुझे लग रहा है विपुल जी नई खरीदारी तो वैसे भी नहीं करनी है, उछाल जब भी मिलता है किसी भी वजह से तो बेटर है आप एग्जिट कर दे, थोड़ा आपका कैपिटल आधा हो चुका है, क्वेश्चन आपने लेट पूछा है किसी भी वजह से, पर मुझे लग रहा है एक बाउंस अगर आता है 18-20 के लेवल के आसपास भी आता है तो एक बार के पोजिशन से हल्का करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। और जैन इरिगेशन विपुल जी, मुझे लग रहा है जैन इरिगेशन थोड़ा बेटर स्टॉक है क्योंकि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं टर्न अराउंड की स्टोरी भी चल रही है, तो अगर उनकी एग्जैक्ट बाइंग में सुन नहीं पाया पर 57 का एक स्टॉप लॉस इनको जरूर मेंटेन करना, 73-74 के आसपास लिया हुआ था इन्होंने शायद, 57 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है अपन जी, वीकली सपोर्ट भी 57 के आसपास है, 6 रुपए का है, 10% का स्टॉप लॉस है पर उसमें कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है, इसलिए 57 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, इसमें बाउंस आने के चांस है, अगर थोड़ी बहुत भी रिकवरी आती है तो 70-72 तक स्टॉक आ सकता है, तो वहां पे उनको एक एग्जिट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक सर, सर आज एक रिजल्ट भी आने हैं इरिडा के, सबको इंतज़ार है और इरिडा पे सवाल भी काफ़ी रहते हैं, आज भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, तो किसी का नाम लिए बिना हम जरा इरिडा से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है वो आपसे जानना चाहेंगे। आज 2% के आसपास की मजबूती, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 235 के आसपास आ चुका है, ये भी जो है थोड़ा सा थका रहा है लोगों को, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए, आज 2% की मजबूती है? विपुल जी मुझे लग रहा है ऊपर में 245-250 तक जा सकता है स्टॉक, टेक्निकली अच्छा है पर रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे कि रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, रिजल्ट्स के ऊपर कोई गैम्बल नहीं कर सकते, रिजल्ट्स कैसे आएंगे और क्या एक्सपेक्टेशन तो काफी अच्छी है कि स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए और जिस हिसाब से लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स पे तो कोई कमेंट नहीं है विपुल जी, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक में रिजल्ट्स थोड़े बहुत भी ठीक ठाक आते हैं 245-250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, टेक्निकली स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इस मंथ का भी डेटा देखते हैं तो ऐसे महीने में जहाँ पे पूरा क्रैकडाउन हुआ है तो स्टॉक ने 0.5% का रिटर्न या एक आधा से 1% अभी भी पॉजिटिव इस महीने चल रहा है, तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई है और रिजल्ट्स अच्छे भी आने चाहिए, और जहां तक टेक्निकल्स की बात है 245-250 वहां तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर के लेवल छू सकते। ठीक सर, अगर पावर पे ही अगर व्यू लेना हो तो बाकी जो PSUs हैं उस पर कुछ स्थितियाँ कैसी लग रही हैं सर आपको? PFC REC तो रुझान दिखा रहे हैं लेकिन NSPC SJVN को क्या हो गया सर, इन पर भी आपकी राय जाना चाहिए, कोई रिकवरी की उम्मीद है और PFC REC को लेकर के भी आपकी राय क्या होगी सर? विपुल जी PFC REC डेफिनेटली बाइंग जोन पे है और अच्छे लेवल्स पे है जहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ, और SJVN NHPC ये दोनों ट्रेंड नेगेटिव हो चुके हैं, और जो भी उछाल आया मैंने पहले भी कहा ये ट्रेंड नेगेटिव है, स्टॉप लॉसेस की बात भी जब भी की तो ट्रेंड नेगेटिव है, उछाल पे मुझे लग रहा है बेटर है या तो स्विच हो जाए या फिर उछाल आता है तो एक बार का एग्जिट करके PFC REC
जो जो भी करेक्शन में मिल रहा है तो वहां पे एक बार स्विच होना ज्यादा बेटर है। एनएचपीसी का विपुल जी सपोर्ट जरूर बताना चाहूंगा, 90 से 91 का ही सपोर्ट है, उसी के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक वापस ट्रेंड आपको नेगेटिव होता हुआ नजर आए। एसजेवीएन ने ऑलरेडी बड़ा सपोर्ट तोड़ दिया है, 128 से 127 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट था, तो जब तक 127 के ऊपर नहीं जाता इसका ट्रेंड अभी नेगेटिव है, और मुझे लग रहा है अगर बाउंस भी आता है तो 127 के आसपास फिर रैली फिजल आउट होनी चाहिए, तो उछाल पे एग्जिट करने की राय रहेगी प्योरली एसजेवीएन पे। तो अरे एनएचपीसी का जहां तक टारगेट की बात है, अगर 90 का लेवल होल्ड कर सकता है, हो सकता है 95-96 तक जाता हुआ नजर आए, तो वहां पे भी एक अच्छा एग्जिट एनएचपीसी में देखने को मिल सकता है। ठीक सर, पावर का जिक्र चल रहा है तो आजकल दो पावर कंपनियां बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रही हैं, एक तो जेएचपी पावर के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन शेयर में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, वॉल्यूम भी बढ़ चुके हैं, आज भी 4.5% ऊपर, अब 23 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो पिछले 5 कारोबारी सत्र में 19-19.5% की रैली यहाँ पर आ चुकी है, पहले ही 1 महीने में 32% चल चुका है, ये क्या हो रहा है सर जेपी पावर के अंदर? और दूसरा आर पावर, जिसमें कि अब सर्किट लिमिट जो है में परिवर्तन हो गया है, 5% नहीं माफ कीजिएगा, स्विचडाउन में हुआ है, आर पावर में क्या हो रहा है सर? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, क्या यहाँ पर फंडामेंटली कुछ चेंज हो रहा है या फिर खाली सेंटिमेंट प्ले हो रहा है रिलायंस पावर को लेकर के? फंडामेंटली क्या कुछ आपके पास रीज़न कोई कहानी है क्या सर? विपुल जी, जो देखने को मिल रहा है या जो भी रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, तो पावर सेक्टर की डिमांड काफी हाई है, और सेकेंडली अगर फंडामेंटली भी देखें तो थोड़ा बेटर है जेपी पावर, अगर छोटे स्टॉक्स की बात करते हैं तो, और एक टर्न अराउंड क्वार्टर की भी एक्सपेक्टेशन है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा मोमेंटम भी बना। यूजुअली क्लियर डिस्क्लेमर है, कभी रिकमेंड नहीं किया है, पर टेक्निकली मोमेंटम काफी अच्छा है, और नीचे में 18 से कंटिन्यूस स्टॉक 23 के आसपास आ चुका है, तो मोमेंटम वाइज और थोड़ी बहुत जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, सेकंड डिमांड पावर की काफी हाई है, तो मुझे लग रहा है इसी वजह से स्टॉक में मोमेंटम है, और टेक्निकली मुझे लग रहा है ये स्टॉक और एक्सटेंड रैली कर सकता है, तो जिन्होंने भी ले रखा है मेरे ख्याल से काफी लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो 20 का या 22.5 का एक स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि रैली अच्छी हो रही है और वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो हो सकता है 25.5-27 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आए, तो 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर किसी ने भी ले रखा है, और 27 से 27.5 के ऊपर में टारगेट रहेंगे। इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, अगर वो आ जाते हैं तो फिर वापस एक बार स्टॉक को रिव्यू करेंगे। चलिए, तो ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, संजीव माफ कीजिएगा, संजीव जी हैं हमारे साथ। संजीव जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं संजीव जी? बढ़िया जी, बढ़िया, आप सुनाओ। हम जी बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने NBCC लिया था शेयर, वो 202 रुपए लिया था मैंने, 100 शेयर 202 पे 116 रुपए, हाँ जी आप 116 रुपए टारगेट दिखा, 116 रुपए दिखा रहा है जी, और 50 शेयर कोई ऐसे दिखा हुआ है। तो कहाँ थे आप इतने ऊपर लेकर के, आपने एक बार भी सवाल नहीं किया, NBCC को लेके इतनी चर्चाएं हुई, चलिए अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? तो कोई बात नहीं, होल्ड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कब लिया था आपने ये 200 के ऊपर? मैंने शायद महीना हो चुका है, शायद 1 महीना। 1 महीना? 1 महीने में तो सर ये भाव मुझे दिख नहीं रहा सर। NBCC सर 200 के ऊपर, आपकी कोई टिप्पणी सर, कब क्या कहना चाहेंगे? ये बोनस के पहले की बात बता रहे हैं क्या आप? नहीं, बोनस अब, हाँ बोनस मिला है 50 शेयर का अभी, हाँ। 2-4 दिन पहले, अभी 116 रुपए शो हो रहा है जी, तो एक दिन 116 रुपए शो हो रहा था, दूसरे चौथे दिन मैं 116 रुपए देखा था। नहीं, आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? 134 एवरेज आ रही है जी। 134, ये बताइए ना सर, वही तो। चलिए ठीक है, 10-20 रुपए के नुकसान पे आप हैं अभी जो है, क्या करना चाहिए अरुण जी, क्या इनको सलाह रहेगी NBCC को लेकर के? विपुल जी, इनका प्री बोनस प्राइस है मेरे ख्याल से 134, जिन्होंने कहा ये बोनस पोस्ट बोनस के प्राइसेस है, और मुझे लग रहा है स्टॉक में एक बोनस के बाद एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, और 120-125 अच्छा रेजिस्टेंस स्टॉक में बन चुका है, और वहां से मुझे लग रहा है
नीचे जब तक वो लेवल पार नहीं करता स्टॉक में बुलिशनेस नहीं है, तो एक स्टॉप लॉस अगर ये लगा सकते हैं तो लगाएं, 109 से 108 के आसपास एक सपोर्ट है तो उसी का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मैक्स टारगेट मुझे लग रहा है 125 तक, अगर रिकवरी आती है तो 125 तक स्टॉक जा सकता है, वहां पे एक बार कितने पोजीशंस को हल्का कर लें, तो 108 से 125 इसी का एक रेंज नजर आ रही है, और 125 के आसपास अगर विपुल जी स्टॉक आता है तो मुझे लग रहा है एक बार उनके स्टॉक से एग्जिट करके कोई दूसरे स्टॉक में स्विच हो जाना। चलिए तो ये राय निकल करके आ रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं और ये प्रश्न हमें भेजा गया है। ओम प्रकाश जी हैं नोएडा से, IFCI के ऊपर 3200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव जो है वो 72 रुपये बताया जा रहा है, और इनका कहना ये है कि ये 6 महीने तक IFCI को होल्ड कर सकते हैं। अभी 10 रुपये पर शेयर के नुकसान पर है, 2.25% नीचे IFCI का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ, और ये एक और ऐसा शेयर जिसमें कि हाल फिलहाल की गिरावट का असर देखने को मिला है, एक महीने में करीब 10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सर काफ़ी शानदार चल रही थी IFCI में, पर अभी जो PSU की पिटाई हुई है उसमें ये भी पिटा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी IFCI को लेकर के? अगेन विपुल जी सेम वही चीज हो रही है, जो जो भी स्टॉक्स ज्यादा रिटेल फ्रेंडली या कह सकते हैं ज्यादा न्यूज में रह रहे हैं सब में पिटाई हो रही है, चाहे वो सुजलॉन हो जाए IFCI हो जाए, ऐसे स्टॉक्स में अच्छा अगेन गिरावट देखने को मिल रही है। नीचे में सपोर्ट विपुल जी थोड़ा दूर है, 57 के आसपास है, 57 से 58 के आसपास इसका सपोर्ट है, जो कि रिसेंट लो देखे तो 59 के आसपास है, तो 59 57 ये दो सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे, ऊपर में अगर उछाल आता है तो 68 से 70 तक हो सकता है उछाल देखने को मिल सकता है, उस उछाल को यूज करें एग्जिट करने के लिए, ना कि नई खरीदारी का भी नई खरीदारी करें, तो 68 से 70 के आसपास अगर मिलता है, क्योंकि लास्ट काफी दिनों से गिर रहा है तो एक बाउंस अगर आता है तो 68 तक आ सकता है, उस उछाल में एग्जिट कर दें स्टॉक को, कोई बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। सेकेंडली एक स्टॉप लॉस 58 के आसपास जरूर लगाएं, 58 के नीचे अगर जाता है तो स्टॉक में वीकनेस और बढ़ सकती है।